देखो आज तुम्हारा वर्कआउट रहेगा 300 मीटर ट्रैक का, 4 राउंड लगाना है। कितना? 4 राउंड। 4 राउंड लगाना है। वार्म अप करके आए हो तो ऐसे करते रहो, मैं तो बॉडी ठंडा हो जाएगा। 4 राउंड आपको लगाना है, ठीक। आके 3 मिनट रेस्ट लेना है 4 राउंड के बाद, फिर उसके बाद में 2 राउंड लगाना है ऐसा 600 मीटर लगातार, ठीक। फिर उसके बाद में आके 3 मिनट रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद में 1 राउंड लगाना है इसको, फिर रुकना है, फिर 1 राउंड, अर्थात इसका एक ही चक्कर 2 बार, ठीक। फिर उसके बाद में 4 को तुमको 100 मीटर स्प्रिंट भागना। आज इतना तुम्हारा वर्कआउट हुआ, ठीक। उसके बाद में जो ABC ड्रिल होगा, एक्सरसाइज होगा, कूलिंग डाउन होगा, उसके बाद में स्ट्रेचिंग करके घर जाना। बस आज इतना ही वर्कआउट, ठीक। बॉडी फिट है, किसी को कोई दिक्कत? चलो, और ईमानदारी से भागेगा। पहली नंबर बात, हाथ का पोजीशन सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी नंबर बात, पैर का लैंडिंग सही होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि जैसे मन ऐसे दौड़ेगा, लैंडिंग तुम्हारा पैर का सेम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होकर ऐसे होना चाहिए, ठीक। अर्थात बोले तो 4 फुट रनिंग, ठीक। लेकिन 100 मीटर वाला आपको 2 रनिंग करना है। चलिए अब फिट है, बिल्कुल भाग सकते हैं, कोई दिक्कत। यदि किसी को समस्या होगी दौड़ते समय तो आके हम तो जरूर बोलेगा, क्योंकि अब आपका लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि आप बॉडी को अपना इंजर्ड मत करिएगा। दूसरी नंबर बात, अपना होश में दौड़ना है, होश खो के नहीं दौड़ना है, अर्थात कहने का मतलब अपने बॉडी को सेफ रखते हुए दौड़ना है, ठीक है। और किसी प्रकार का इंजरी अभी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपका समय बहुत निकट है, आप समय के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बॉडी को अपना सेफ में रखते भागना है और सही से भागना है, ठीक है। फिट है, चलिए भागिएगा। स्टेप खोल के भागना है और थोड़ा स्प्रिंट लगाना है, थोड़ा फास्ट भी भागना है, स्टेप पर भी भागना है, ठीक। अब कैसे 4 राउंड मेंटेन करना है कि तुम पेस खोना नहीं है, पेस छोड़ना नहीं है, पेस लेके चलना है, ठीक है। पेस रनिंग इसको कहते हैं, पेस लेके चलना है, पेस को छोड़ना नहीं। चलिए स्टार्ट करिएगा। चलो ठीक से, हाथ को चलाते हुए पर बाद में कितना था? 200 मीटर हो गया, अब 600 मीटर।
मारेंगे इधर सब अच्छी हो जाएगा। कितना भागना है? दो भागना है, ठीक है। 100 मीटर और स्प्रिंट खींचना है, स्लो नहीं, ठीक है। चलो भागेगा। जबरदस्ती उठा, फिट है। 1 मिनट का रेस्ट आपका पेक्राउन के पास है। चलो हो गया, बॉडी को सीधा लीजिए, लाइन अप, लंबा गहरा लीजिए, लंबा गहरा पूरा सांस लीजिए। 1 राउंड फिर जाना है पूरा स्प्रिंट खींच कर, ठीक है। लंबा स्टेप और फास्ट रन, ठीक है। रेडी है सन? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, जो भी प्रॉब्लम हो हमको बोलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलो गो, इसके बाद आपको कितना का करना है, 100 मीटर का स्प्रिंट लगाना है, ठीक है, पूरा फास्ट में, और 2 स्टेप लास्ट में लगाना है। 100 मीटर का स्प्रिंट कौन लगाना है? 4 ठो। कौन लगाना है? 4 ठो, 4 ठो, और 2 स्टेप बाद में लगाना है, ठीक है।
चलो बॉडी को सीधा है, किसी को दिक्कत भागेगा। चार को स्प्रिंट है और रेस्ट आपको 15 सेकंड का दिया गया है, जितना जल्दी उधर से आ जाएगा 15 सेकंड रेस्ट लीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे करके आना है उधर, ये नहीं कि आराम से आना है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वार्म अप पोजीशन में आना है, ठीक है। चलो गो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है गलती क्या कर रहा है सन, ड्रिल मार रहा है। जब भी हम स्प्रिंट मारेंगे तो इस पोजीशन में मारेंगे, हाथ को एकदम सीधा रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे हाथ को चलाना है और स्प्रिंट हमेशा टॉय पर जाता है, ठीक है। टॉय पर छटेगा उठेगा, छटेगा उठेगा, एकदम करेंट के जैसा उत्पन्न होनी चाहिए तुम्हारी पैर की जगह, ठीक है। पूरा फास्ट भागना है, ठीक। एक और बात ध्यान रहो, सब लाइन सब लाइन सेव हो जाना है। एक और गलती, कोई गलती ऐसा मत करना है जो आपको प्रॉब्लम हो, अपने बॉडी को सेफ रखते हुए भागना है, ठीक है। अपने आवश्यकता अनुसार, अपना कैपेसिटी के अनुसार खींचना है, ठीक है, कैपेसिटी के अनुसार। सबसे बड़ी बात है क्या, तुम लोगों का जितना लड़का मतलब चार के अंदर हो जाता है उसके बाद में आना ही बंद कर देता है, वो सोचता है कि हमको निकाल दी, ऐसा गलती मत करो, जब तक बहाली है, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा एक दिन 3:40, 3:42 लग गया तो इसका मतलब कि आना ही बंद कर देंगे, ठीक। अब ऐसा मत करो सर, आना रोज आओ। देख रहे हैं कि जिसका टाइमिंग हो जा रहा है वो साइड हो जा रहा है, जाने दीजिए सर, आपका क्या बॉडी को सीधा लो। देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले कि तुम्हारा ग्रुप डी वाला बैच, सबसे पहले लड़का ए और इसके साथ एक लड़का आया था, दो ही लड़का मेरे पास आया था, ठीक है। और इस सबका दोनों का सबका लगभग 4 के नीचे डाउन हो गया, इसका भी तुम्हारा कितना टाइम आ रहा है 3:52, सबका 4 के नीचे समय आया, तो सब सोचा कि हमारे तो समय आ गया, सब भर गया। अरे बैच कितना कब से स्टार्ट हुआ था, 26 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ था, और जितने भी ग्रुप डी वाले थे सभी ग्रुप डी वाले का है, जितने भी ग्रुप डी वाले थे सभी ग्रुप डी वाले का 4 के अंदर चला गया, जिस 19 को है तो कि जिसको 9 तारीख को है सब आना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसका तो लग रहा है कि मतलब हमारा टाइमिंग हो गया, तो अब हम सर के पास क्या जरूरी है जाने के लिए, और उसी में कभी आ रहा है सन कभी नहीं आ रहा है, अब तो सोच रहा है कि हम तो निकाल देंगे तो क्या जरूरी है आने के लिए। लेकिन वो गलत फहमी मत रहो, आओ तो रोज आओ, रेगुलर आओगे तो कंटिन्यू बना रहेगा, इस बात को ध्यान में रखो। और कितना दिन तुम यहाँ पे अभी रहे हो टोटल मिला के, सबसे पहले पुराना बैच का यही लड़का है ए और एक के साथ 15 दिन, 15 दिन में सबका 4 टूट गया, और उसके बाद में कोई बच्चे अभी आ रहे हैं 3 दिन से, कोई बच्चे ऐसे हैं कि 2 दिन से आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आ रहे हैं, कल आए एक दिन नहीं आए फिर परसों आएंगे, ऐसे करने से थोड़े होगा। देखो जैसे अभी वही है लड़का, वो 2 दिन से आ रहा है और वो सूत के आता है बनिया से आए, और तब कहेगा कि दौड़ सर कहे नहीं बना, दौड़ेगा तब ना आएगा कि घर जाके हम तुम्हारा सिखा देंगे, ऐसा गलती मत करो सर, आना है तो रोज आओ। ऐसा नहीं कि कोई किसी को हम एडमिशन का पैसा नहीं लिए हैं तो इसका मतलब वो सोच रहे हैं सर तो पैसा लेबे नहीं किया तो क्या करे, इसी का दौड़ेंगे, मन करेगा तो जाएगा, नहीं ऐसा गलती मत करो। तुमको फिजिकल निकालने के लिए इंस्टीट्यूट खोला गया है, पैसा हूँ किसी भी कीमत पर, तुम हमसे 10 घंटा इसमें समय ले लो लेकिन फिजिकल निकाल के आओ, चलो ठीक है।
हम कब वो बोल सकते हैं कोई नहीं जानता, इसलिए हमारा हमेशा ध्यान रखो अपने पास। कम बैक बड़ी पिटा, चलो नॉर्मल चलो लाइन अप, सब लाइन अप। अब स्टेप है ठीक है, तीन तीन लड़का जाएगा, मात्र तीन लड़का, तीन तीन लड़का का ग्रुप बनाओ, पूरा स्लो जाना है लेकिन पैर का स्टेप को पूरा खोलते हुए जाना है, नहीं आया? स्टेप को खोलते हुए स्लो जाना ठीक, पूरा लंबा लंबा स्टेप, और टोए पर गिराना है, ये नहीं कि हील पर गिराना है, समझ में आया? चलो भागेगा पिता सन, किसी को कोई दिक्कत चल गो गो बोले चल गो। स्टेप उठा, उठना सीधा कभी नॉर्मल, कम बैक को आगे निकाल, कुछ के ना यार लाइट पावर ना, चलो 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 लाइट लाइट अप, चलो स्टार्ट करेगा, पैर उठा स्प्रिंट मत खींचने लग, Thank you.
Thank you.
बार बार चल पूरा मेडिटेशन के हाथी सीधा रख के टू वन इधर टू वन टू वन टू वन टू वन शैतान बाहर से आप देख शैतान अंदर से शैतान साइड से और शैतान एलपी ब्लॉक साइड से करते रहो ब्लॉक ऐसे होता है रनिंग स्टेप लगाने के बाद आपको पहले एबीसी ड्रिल करना है उसके बाद में ए वाला एक्सरसाइज करना है और ए एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आपको कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करना है जो आपको हम वीडियो में डाल चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जिसके कारण हम आपको वीडियो जो डाले हैं पहले उसमें से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम अब कूलिंग डाउन एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं और इस वर्कआउट के पहले आप एबीसी ड्रिल कीजिएगा तब आपको विशेष लाभ मिलेगा और टाइमिंग आपका अच्छा आएगा। चलो नॉर्मल आप सब बहुत से मेरे ऑनलाइन वीडियो देखकर और उसके साथ साथ बहुत से बच्चे हमारे फोन पे जुड़े रहें, व्हाट्सएप से जुड़े रहें और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर मेरे पास 21 बच्चे ने कॉल किए लगभग और एक बच्चे ने कमेंट भी किए हैं। लगभग 22 बच्चे ने फिजिकल क्वालिफाई किया ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कठिन परिश्रम किया और जैसा हम बताएं वैसे गाइडलाइन को फॉलो किया और आपकी मेहनत ने रंग लाई और 22 बच्चे ने फिजिकल क्वालिफाई किए ऐसे रेलवे का। तो इस बात को इतना हमको खुशी आज कितनी खुशी महसूस हो रही है आप नहीं समझ सकते हैं। आज लग रहा है कि मैंने जो वीडियो जो YouTube पर फ्री कार्यक्रम चलाया था वो हमको आज ही से सक्सेस मिला क्योंकि फर्स्ट दिन में मेरे 10-22 बच्चे ने लगभग केवल वीडियो देखकर और केवल फ़ोन करके पूछ कर ट्रेनिंग करके और कुछ ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके कुछ बच्चे ने ट्रेनिंग ली और उसके द्वारा आप लोगों ने 22 बच्चे समझ सकते हैं 22 बच्चे ने मेरे पास कॉल किए मेरे पास एक मैसेज और 21 बच्चे ने फ़ोन किए कि सर मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया, मैं फिजिकल में आपके बदौलत पास हो गए। तो आपके मेरे बदौलत नहीं, आप अपनी मेहनत के बदौलत पास हुए हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कठिन परिश्रम की और फिजिकल को निकाल के आए। इसके लिए मैं अपने सहे दिल से तुमको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग अभी बोल रहे हैं कि सर मैं आपके पास आऊँगा, नहीं अभी नहीं आना है, जब आपके हाथों में रिजल्ट मिल जाए, मेरिट आ जाए तब मेरे पास आइए, इसके पहले आपको आने की ज़रूरत मेरे पास नहीं है। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते और उसको लाभ उठाइए और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी आपको नहीं लगेगा। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कितना पैसा लगेगा, पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ए वाला हम ग्रुप डी के लिए
वीडियो प्रोवाइड करेंगे, कोई समस्या हो रही है तो आप वीडियो कॉलिंग कीजिए या ऑडियो कॉलिंग कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको सभी का आंसर दें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, हाँ कुछ लेट हो सकती है लेकिन सभी का कमेंट हम दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही, मुझे आशा है कि अभी तो इतने बच्चे, अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करें, फिजिकल पास करें और मेरिट लिस्ट आए, इससे बड़ी खुशी हमको कोई दे ही नहीं सकती है जो आप हमें अभी आजकल दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत तुम लोगों के लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।